सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ऐसी कौन सी कुर्सी पर बैठ गए कि अब वो सुर्खियों में आ गई है? जानना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप लोगों का विवान पंजाब केसरी पर राजधानी भोपाल से खबर लेकर आया है। बीते कुछ दिनों पहले जानकारी के अनुसार भोपाल के सेंट्रल जेल में आध्यात्मिक प्रवचन देने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने जेल अधीक्षक सहित जेल के कर्मचारियों और जेल के बंदियों को प्रवचन सुनाया और उसी दौरान वो जेल अधीक्षक के कमरे में गए। वहां पहुँच करके उन्होंने जेल अधीक्षक की जो कुर्सी थी उनके चैम्बर की वो उसमें बैठ गए और अब जब वो तस्वीर वायरल हो रही है अधीक्षक की कुर्सी में उनके बैठे हुए की, वो खूब चर्चाओं में है, सुर्खियां बटोर रही है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अधिकारी के कुर्सी पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ही बैठ सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। अब ऐसे में ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जेल अधीक्षक की कुर्सी में बैठे जाने को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जा रहा है। ये पूरा मामला चर्चाओं में है और ये किस ओर मोड़ लेगा, ये मैं आप लोगों को लगातार इस खबर को लेकर के मैं बना हुआ हूँ ग्राउंड जीरो पर, मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये वही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं जिनको बीते कुछ दिनों पहले एक धमकी भरी चिट्ठी आई थी और जानकारी के अनुसार उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि 1 करोड़ रुपए की उसमें डिमांड की गई थी, नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस वक्त भी चर्चाओं में आ गए थे महाराज और अब एक बार फिर से जेल अधीक्षक की कुर्सी में बैठने के बाद ये तस्वीर जैसे ही वायरल हुई, ये पूरा मामला अब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और फिलहाल चर्चाओं में था तो मैंने आप लोगों तक पहुँचाया। आगे क्या होगा इसके लिए मैं ग्राउंड ज़ीरो पर बना हुआ हूँ। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए मैं लगातार आप लोगों तक जो भी अपडेट आएगी उसके लिए मैं बना हुआ हूँ और पहुँचाऊँगा भोपाल से, और आप लोगों की दिल की गहराई से जहाँ मुझे और मेरी हर खबर को आप लोगों ने जगह दी है वहाँ से मैं आप सबका विवान।